तो रत्नेश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से इस बाजार में जहां दायरे में कारोबार हो रहा है, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी कॉल्स क्या होंगी? मेरे अभी भी फिर दोनों बाइंग साइड ही रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उनको थीम पकड़ के चलना चाहिए। जो मुझे थीम लगती है वापस से जो रिबाउंड होती है थीम दिख रही है वो डिफेंस की, तो डिफेंस मुझे ऐसा लगता है कि वापस से तेजी बन रही। तो पहला जो रहेगा एचएल, एचएल में पे 4110 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएगा, 4250 का टारगेट मुझे दिखाई देता है। और जो दूसरा रहेगा मजडॉक, मजडॉक में मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन हो चुका है, अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे घुमा है। कल के सत्र में एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिखी थी, वापस से फॉलो अप देखने को मिला, 2340 का स्टॉप लॉस लगा दे, 2500 रुपये का टारगेट मुझे मजडॉक में आते देख सकते हैं। ये एक दो दिन के लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सारा इन दोनों स्टॉक्स पर। अमोल जी, आपकी सलाह क्या होगी, किन स्टॉक्स में ट्रेड लें? जी, एक तो मैं ऐसे स्टॉक देख रहा हूँ जो सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल है और एक में करेक्शन पूरा हो चुका है। तो पहला मुझे लग रहा है कि विप्रो में एक अच्छा फॉर्मेशन है, 458 के आसपास चल रहा है, 480 485 के टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 447 का। और दूसरा मुझे एक बीबीटीसी मिड कैप कैटेगरी में है, वो एक अच्छा लग रहा है, 1575 के आसपास है, 1685 पोजिशनल टारगेट है, टाइम लेगा थोड़ा सा स्टॉक, और 1700 दूसरा टारगेट है, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1535 के आसपास। काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक और एक अच्छे रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है अगर मार्केट में ये मोमेंटम कैरी रहा तो बीबीटीसी में आने वाले दिनों में एक अच्छा रैली आ सकता है। ठीक है, तो ये है अमोल जी की पसंद और अहम लेवल्स और टारगेट के साथ ही स्टॉप लॉस के लेवल भी आपको बता दिए गए। चलिए अब चर्चा करते हैं कुछ अहम स्टॉक्स की, और आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक बास्केट जो है वो एक बार फिर चमक अपनी बिखेरता हुआ और अच्छी रैली बीच में नज़र आई थी, बेहतर ट्रेंड्स भी थे, बीच में जो बाज़ार का दबाव था वहाँ एक मौका भी बना खरीदारी का, और लगता है कि वो मोमेंटम अब एक बार फिर बैंकिंग शेयरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखिए जरा, कैनरा बैंक आज लगभग 4.5% की तेजी यहां पर नजर आती हुई। इसके अलावा अगर हम देखें यूनियन बैंक, तो यहां पे भी लगभग 4% की तेजी हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई की कल भी हमने चर्चा की थी, देखिए जो लक्ष्य हमने दिया था उस लक्ष्य से ऊपर ये जा चुका है, एसबीआई में हल्की तेजी बनी हुई है। बताएं रत्नेश, इन तमाम स्टॉक्स पर क्या नजरिया बन रहा है? पीएसयू बैंक्स में कुछ नाम मैंने अब कुछ क्या ज्यादातर नाम मैंने ले लिए। अगर इन बैंकों में हम देखें जो आपने डिस्कस करा है, तो उसमें सबसे अच्छा मुझे ऐसा लगता है केनरा बैंक में एक स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के बाद में अभी भी इसमें सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसमें वापस से तेजी रिज्यूम हो सकती है। तो यहाँ पे जो अब ये मुझे जो दिखाई देता है कम से कम 125 से 130 रुपये का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 112 रुपये का। तो ये है नजरिया इन तमाम बैंकों पे और खास तौर पे कैनरा बैंक इस वक्त पसंद आता हुआ। चलिए,